हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, कल जो हमने आपको वर्कशीट भेजी थी उसका सॉल्यूशन यानी कि उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप अपने किए हुए सवालों से इसको मिलाइएगा और देखिएगा कि आपने कहाँ ठीक किया और कहाँ गलत किया है। तो बच्चों, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि इसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई वाली संख्या हमें पता करनी है कौन सी है, और फिर उसको यहाँ पर जिस पे गोला लगा हुआ है उसको हमें यहाँ पर लिखना है और बताना है कि वो कौन सी संख्याएँ हैं। तो जैसे कि हमने कल दो को यहाँ पे सॉल्व किया था, अब हम यहाँ पे तीसरी को शुरू कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 326। क्या लिखा है, 326। और 326 में किस संख्या के ऊपर गोला लगा हुआ है, दो के ऊपर। तो दो कौन सी संख्या है, दहाई की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20। इसी तरीके से अगली क्या है संख्या, 280। इसमें देखेंगे किस संख्या पर गोला लगा हुआ है, 8 पे। तो 8 कौन सी संख्या है, दहाई की संख्या है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 80। अगली क्या है, 164। तो 164 में किस संख्या के ऊपर गोला लगा हुआ है, 4 के ऊपर। और 4 क्या है, इकाई की संख्या है। तो हम 4 को सिर्फ ऐसे ही 4 लिख देंगे। अगली क्या है, 307। 307 में किस संख्या के ऊपर गोला लगा हुआ है, 3 के ऊपर। और 3 कौन सी संख्या है, सैकड़े की संख्या। तो 3 के ऊपर कैसे आएगा, ये लिखा जाएगा 300। क्या लिखा जाएगा, 300। जैसा कि हमने इसमें 145 वाली में किया था कि एक के ऊपर गोला लगा हुआ है, तो एक क्या है, सैकड़े की संख्या है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था, 100। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। अब आप अपने काम को इससे मिलाइए और देखिए कि आपने कहाँ गलत किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।